अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद वसीम अंसारी एंड वेलकम टू माय चैनल अगेन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे इंशाल्लाह। तो देखिए माशाल्लाह मैं एक वीडियो बना रहा हूं, ये इसके ऊपर है कि जो हमारा मोबाइल है ये कितना बड़ा फितना है हमारे लिए, ठीक है। तो इसमें देखिए मैं सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसके देखिए बेइंतहा बेनिफिट्स भी हैं, तो इसी तरीके से उसके नुकसान भी हैं। बेनिफिट्स में आप ये देख सकते हैं कि हम इसका यूज़ करते हैं कॉल करने के लिए, ठीक है, पिक्चर कैप्चर करने के लिए, वीडियो बनाने के लिए, जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ अपने मोबाइल के थ्रू, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हम नेविगेशन के लिए, ठीक है, और ट्रांजेक्शन्स के लिए, पेमेंट्स के लिए, बैंकिंग ट्रांजेक्शन के लिए, और बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, कैलकुलेटर हो गया, ये बहुत सारी चीज़ें। लेकिन इसके नुकसान भी हैं क्योंकि ये एक फितने की चीज़ है। फितने की चीज़ ऐसे है क्योंकि अब क्या है, पूरी दुनिया ही इसके अंदर समेट दी गई है। मतलब आपको पूरी दुनिया का कुछ भी देखना है, कहीं से भी देखना है, तो आप इसके अंदर देख सकते हैं। ये अच्छी चीज़ है, लेकिन अब इसमें क्या हो रहा है, नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा, मतलब नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा उभारा जा रहा है। आप जो चीज़ पहले बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती थी देखना या फिर लेना या उसको यूज़ करना, वो मोबाइल के ज़रिए बहुत ज़्यादा आसान हो गया। और मैं ये ना नेगेटिव चीज़ों की ज़्यादा बात कर रहा हूँ, जैसे कि आपने पता ही है कि अब गंदी फिल्में होती हैं, ठीक है, और अब जो आजकल की हमारी मूवीज़ आ रही हैं, बॉलीवुड मूवीज़, हॉलीवुड मूवीज़ या वेब सीरीज़ का जो ज़माना चल रहा है, सीरीज़ चल रही हैं, ठीक है, वो बहुत गलत गलत तरीके से बनाई जा रही हैं। गालियों के बिना तो बिल्कुल नहीं बनाई जा रही है, गाली गलौज तो हर सीरीज़ में डाली जा रही है, ठीक है। फिर उसके बाद सेक्स से रिलेटेड हो गया, गंदी बातें हो गई, डबल मीनिंग्स बातें हो गई, और छोटे छोटे सीन हो गए, गंदे गंदे सीन हो गए, वो सब उसमें कैप्चर करे जा रहे हैं। तो वो सब कुछ देखना बहुत आसान हो गया मोबाइल के ज़रिए। और ऊपर से जो हमारे जैसे वोडाफोन हो गया, जियो हो गया, आइडिया हो गया, एयरटेल हो गया, इनके जो पैक हैं, जो वो पहले महंगे थे वो सस्ते हो गए, तो इसकी वजह से और ज़्यादा ईजी हो गया कि 1 GB 1.5 GB पर डे हमें मिल रहा है, तो हम उसको यूज़ कर रहे हैं और गलत चीज़ों में ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो देखिए मेरे बताने का मकसद बस यही है कि मैं देखिए पहली बात तो कोई टीचर, प्रोफेसर या कोई इस्लामिक स्कॉलर या नहीं हो, ठीक है, लेकिन मैं इसको इसलिए बता रहा हूँ कि देखिए इस चीज़ की दावत देनी बहुत ज़रूरी है कि हमें इन चीज़ों से बचना है। हम यूज़ करें मोबाइल का, लेकिन लिमिटेड यूज़ करें। अब यूट्यूब आ गया, इंस्टाग्राम आ गया, पहले टिकटॉक था, ठीक है, तो इसमें क्या, स्क्रॉल करते जाओ, स्क्रॉल करते जाओ, रील्स ख़त्म ही नहीं होंगी, शॉर्ट्स ख़त्म ही नहीं होंगी, और लेकिन आपका वक्त कहाँ ज़ाया हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। आपका वक्त कहाँ ज़ाया हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। और आपको अगर कोई इंपॉर्टेंट काम करना है या फिर आप किसी चीज़ को टाइम देना चाहते हैं, तो वो टाइम वहाँ ना देके आप रील्स में, इंस्टाग्राम में या फिर यूट्यूब पे दे देंगे। तो मेरा कहने का मतलब बस यही है कि हमें अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है बचाना है, अपना मोबाइल में टाइम नहीं लगाना है, और हमें अल्लाह की इबादत में और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके में, उस चीज़ में ज़्यादा अपने आप को लगाना है। मेरा कहने का मकसद बस ये है कि हम किसी तरीके से इन चीज़ों से बच के, इन चीज़ों को थोड़ा सा साइड में रख के, थोड़ा अपना वक्त निकालें अल्लाह के लिए, अपने रसूल के लिए, कि हमारी नमाज़ें किसी वजह से ना छूटे, हमारी दूसरी इबादत, हमारा कुरान शरीफ किसी वजह से ना छूटे, हमारे जिक्र, हमारे अस्तगफार की तस्बीह, वो हमारी किसी वजह से ना छूटे, ठीक है। लेकिन मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है मोबाइल ही हमारा, जो हमारा जो टाइम है वो हमारा मोबाइल ही ज़्यादा लेता है मेरे अकॉर्डिंग, तो ऐसा लगता है। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि ताकि हम मोबाइल से बचें, क्योंकि मैं भी मुबतला रहता हूँ मोबाइल में, मुझे पता है। लेकिन जिस चीज़ की दावत दी जाएगी रुकने की या उसको बढ़ाने की, तो उसके असरात खुद पहले अपने ऊपर पड़ेंगे। तो मोबाइल से हमें थोड़ा सा सेपरेट हो जाना है, थोड़ा सा मतलब उसको साइड में रख देना है, और हमें ये सोचना है कि भाई अब ये जो वक्त मिला है, मैं इसको अपनी स्टडी पर लगा सकते हैं, ठीक है, इबादत में लगा सकते हैं, और भी घर के जो काम है या फिर किसी और चीज़ में, उसमें लगा सकते हैं। क्योंकि अब कई कई तरीके की गेम्स आ गई हैं, ठीक है, सीरीज़ आ गई हैं, मूवीज़ आ रही हैं, और मूवीज़ तो बिल्कुल मतलब देखें ही ना तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि मूवीज़ में तो बहुत ज़्यादा, चलो कुछ अच्छी मूवीज़ भी होती है, लेकिन मूवीज़ में क्या एक कनेक्शन होता है, जुड़ जाता है इंसान, और वेब सीरीज़ में तो और ज़्यादा कनेक्शन होता है, एपिसोड 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 एपिसोड, उसमें तो बहुत ज़्यादा वक्त ज़ाया होता है। तो हमें क्या है, एक होता है ना, डोंट वेस्ट माय टाइम, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, टाइम को बचाना है, टाइम को अच्छी जगह लगाना है, उसको बचा के अच्छी जगह लगाना है, और
उससे कुछ सीखना है, बनाना है इंशाल्लाह। तो यही था बस, कुछ शेयर करने का मन कर रहा था तो आपसे शेयर करा मैंने। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मैं कोई टीचर, प्रोफेसर या इस्लामिक स्कॉलर नहीं हूँ। बस कोशिश करता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में दीन किस तरीके से आ जाए और किस तरीके से आप सब भी मेरे साथ जुड़ जाए। और अल्लाह ताला आपको भी हिदायत नसीब फरमाए, मेरे को भी हिदायत नसीब फरमाए, हम अल्लाह के राह पे चलने वाले बन जाएँ और नबी के तरीके पे चलने वाले बन जाएँ। ठीक है, अस्सलामु अलैकुम।